उम्मीद है कि आपने द अमेरिकन नाम की मूवी को हमारे चैनल पर जरूर देखा होगा और आपको वो पसंद भी बहुत आई होगी, इसलिए हम लेकर आ गए हैं उसका पार्ट टू, जो पहले पार्ट की तरह ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशन से भरी पड़ी है। ये मूवी एक ट्राई नॉट टू क्राई चैलेंज वाली मूवी है। अगर इसे एंड तक देखकर आप अपनी आंखें भर ना आए तो कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चैलेंज स्वीकार हो तो चलिए देखते हैं मिरेकल्स ऑफ लव। अगर इसके पहले पार्ट यानी द मिरेकल को आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वरना इस मूवी के कैरेक्टर्स को आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि अजीज और उसकी पत्नी गांव वालों की बातों को सह नहीं पाए और गांव छोड़कर चले गए। फिर 7 साल के बाद दोनों अपने दो बच्चों के साथ गाँव वापस आए। अजीज बिल्कुल ठीक हो गया था और वो सबकी तरह चल और बोल भी पा रहा था। ये आखिर हुआ कैसे? उन 7 सालों में अजीज और उसकी पत्नी कहाँ गए और उन्होंने कैसे कैसे दिन बिताए, कहाँ कहाँ क्या देखा, किस तरह के स्ट्रगल्स को फेस किया और आखिरकार अजीज ठीक कैसे हुआ, ये सब कुछ बहुत ही हार्ट टचिंग तरीके से दिखाया गया है इस सेकंड पार्ट में। तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखेगा, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस मूवी के अंदर जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में अजीज और उसकी पत्नी को दिखाते हैं जिसका नाम है मिसगिन। वो गांव छोड़कर एक ट्रेन में जा रहे होते हैं। अजीज खिड़की से झांककर खूब चिल्लाता है और बहुत इंजॉय करता है क्योंकि वो ये सब कुछ पहली बार देख रहा था। हालांकि सभी उसे पागल समझते हैं कि इसकी हरकतें तो देखो, लेकिन मिसगिन उदास बैठी होती है क्योंकि उसका पति दूसरे आदमी जैसा बिल्कुल नहीं है। वो ठीक से चल फिर और बोल भी नहीं पाता। वैसे अजीज को पहली बार देखते ही मिसगिन का दिल टूट गया था। ऊपर से गांव की औरतें मिसगिन का बहुत ही अपमान करती थी कि जरूर इसमें कोई कमी होगी तभी इसने अजीज से शादी की है। मिसगिन सब कुछ सह रही थी, लेकिन जब उनकी बातें हद पार करने लगी तो मिसगिन और अजीज से रहा नहीं गया। दोनों टीचर की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उनके पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे। तब टीचर ने ही उन्हें शहर भेजा था। उस भले इंसान की मदद से ही ये दोनों उस गांव को छोड़कर जा पाए। अजीज और मिसगिन एक स्टेशन पर उतरते हैं। वहां उन्हें रिसीव करने के लिए एक औरत आई होती है और ये और कोई नहीं टीचर की पत्नी है, जिनका नाम है बैरन। टीचर के कुछ दोस्त भी आए होते हैं। वे सब पहले अजीज को बहुत घूरते हैं कि ये कितना अजीब लग रहा है, लेकिन टीचर ने अजीज और मिसगिन को भेजा है तो वे बड़े प्यार से दोनों का स्वागत करते हैं। अजीज टीचर की बेटी के सर पर हाथ रखने जाता है पर वो डर कर छुप जाती है। फिर सभी घर जा रहे होते हैं तो बैरन पूछती है, मेरे पति माहिर कैसे हैं? मिसगिन कहती है कि उनकी वजह से गांव में रोशनी आई है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, सब उन्हें बहुत मानते हैं। रास्ते में समुद्र को देखकर अजीज एकदम दंग रह जाता है क्योंकि वो पहली बार इतना सारा पानी देख रहा था। घर पर भी कई लोग इनका स्वागत करते हैं। अब टीचर की बड़ी बेटी अजीज से कहती है, मेरे पापा ने खत में आपके बारे में बहुत कुछ लिखा था, आप सच में बहुत टैलेंटेड हो। ये कहकर वो उन्हें घर के अंदर ले आती है। आस पड़ोस के बच्चे अजीज को देखकर घोंगा कहकर चिल्लाते हैं क्योंकि वो तेज चल नहीं पाता बेचारा, लेकिन अजीज उन्हें खेलते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। बैरन ने अजीज और मिसगिन के रहने के लिए एक छोटा सा घर भी देखा होता है। अपना घर देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। फिर रात को वे शहर घूमते हैं और डांस प्रोग्राम में जाते हैं। वहाँ सभी नाचने लगते हैं, लेकिन अजीज और मिसगिन पहली बार इस माहौल को एंजॉय भी करते हैं और उन्हें अजीब भी लगता है। अजीज किसी के साथ उतना घुल मिल नहीं पाता, लेकिन हमेशा समुद्र को निहारता रहता है। यहाँ टीचर का एक क्लोज फ्रेंड भी होता है जिसका नाम है बाहटिन। वो आद्रा नाम का एक सिनेमा थिएटर चलाता है। बाहटिन का एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम है आसिफ। बाहटिन को अजीज बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि टीचर ने अजीज के बारे में काफी कुछ बताया था। समुद्र को देखकर अजीज मजे में होता है, पर मिसगिन कहती है, तुम अभी भी किस पर निर्भर हो, हमें काम ढूंढना होगा, अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। लेकिन अजीज मुंह से बबल निकाल कर खेल रहा होता है। कुछ दिन के बाद टीचर वापस आ जाता है तो अजीज उनके गले लगकर बहुत रोता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। टीचर उसे एक बच्चे की तरह शांत करते हुए कहता है कि देखो मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए चला आया। फिर आसिफ टीचर का स्वागत करता है। बाहटिन और टीचर की बहुत ही पुरानी दोस्ती है और वे जब भी एक लंबे अरसे के बाद मिलते हैं तो ये कहकर गले लगते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है तो गलतियां माफ करो, भलाई करो, एहसान मत भूलो, प्यार बांटो, हंसो और खुश रहो। फिर सभी मिलकर एक जगह खाना खाते हैं। सभी को साथ मिलकर खाता हुआ देखकर अजीज को अपने घर की याद आ जाती है और वो उदास होकर उठकर चला जाता है। अब टीचर उसे समझाता है कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हें इतना ही मिस कर रहा है, तुम अपने गांव अपने परिवार के पास जरूर जाओगे, ये मेरा वादा है, लेकिन जब तुम जाओगे तो गांव का कोई भी तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें अब इस काबिल बनना होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं। तब जाकर अजीज स्माइल करता है। टीचर भी बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत काम शुरू कर देता है। वो और आसिफ मिलकर अजीज को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं
ताकि उसके हाथ पैर के मसल्स में ताकत आए और वो नॉर्मल चलने फिरने और दूसरे कामों को नॉर्मल तरह से करने लगे। मिस्किन भी बैरन और दूसरी औरतों के साथ मिलकर कोई काम करती है। उस रात बैरन टीचर से पूछती है कि जब मिस्किन को पता चला कि अजीज ठीक से चल फिर नहीं सकता तो उसने शादी रोकी क्यों नहीं, उसने अजीज से शादी क्यों की। तब टीचर बताता है कि अजीज के पिता एक दिन कोर्ट के आगे खड़े थे तो एक आदमी एक बुजुर्ग को शूट करने जा रहा था, लेकिन अजीज के पिता ने उसे रोक कर उस बुजुर्ग की जान बचाई। वो बुजुर्ग और कोई नहीं मिस्किन का पिता था। उसने अजीज के पिता से विनती की कि आपने मेरी जान बचाकर मेरे परिवार को बचाया है, अगर आपके घर पर कोई कुंवारा बेटा है तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहता हूँ, मना मत कीजिए प्लीज। इसीलिए अजीज के पिता ने उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया और वो शादी के लिए मान गए। फिर अजीज और मिस्किन की शादी हो गई क्योंकि मिस्किन अपने पिता का किया हुआ वादा कभी तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने शादी कर ली। अगले दिन अजीज समुद्र तट पर बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। कुछ बच्चे उसे गोंगा गोंगा कहकर चिढ़ाते भी हैं। बहातिन उन्हें डांट कर भगा देता है तो अजीज फिर स्माइल करने लगता है। अब बहातिन पूछता है कि अजीज क्या तुम मूवी देखना चाहते हो। अजीज तो जानता ही नहीं कि मूवी क्या होती है, लेकिन सड़क से वो एक छोटे पपी को उठाकर घर ले आता है। मिस्किन कुछ औरतों के साथ बैठकर काम कर रही होती है। वो औरतें पूछती है कि ऐसे आदमी के साथ तुम कैसे रहती हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी दिखने में अच्छी हो, उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। मिस्किन तो उन पर गुस्से में चिल्ला देती है, अगर किसी एक्सीडेंट में आपके पति का हाथ पैर टूट जाए तो क्या आप उसे कहीं छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगी। आज अजीज कैसा भी हो लेकिन एक दिन आएगा जब आप सभी बहुत ही शर्मिंदा होंगी कि उसके लिए आपने ऐसी बातें कही। ये कहकर वो गुस्से में उठकर घर की ओर निकलती है। तब अजीज सामने आता है और उसके हाथ में पपी को देखता है। मिस्किन झट से उसका हाथ पकड़ कर लेके जाती है। अब बैरन उन औरतों को डांटती है कि तुम लोगों को बात करने की तमीज नहीं है क्या, तुम घर से बाहर निकलती हो तो क्या तुम्हारा पति तुम्हारी राह देखता रहता है, नहीं ना। लेकिन अजीज एक पल भी मिस्किन के बिना नहीं रहता, दोनों में इतना प्यार है, ऐसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है समझी, अगर आइंदा उस लड़की से ऐसी बातें की तो मेरा मुंह मत देखना। यहाँ मिस्किन अजीज को लेकर समुद्र के पास जाकर बहुत रोती है। वो बेचारी जिन तानों से बचने के लिए यहाँ आई थी, यहाँ भी उसे वही सब सुनना पड़ रहा है। उसके आंसू देखकर अजीज भी बहुत रोता है और मिस्किन के सर को चूमता है कि रो मत। अगले दिन अजीज बहातिन के थिएटर में जाता है तो वहाँ कोई मूवी चल रही होती है, कोई गन से शूट करता है तो अजीज घबरा कर सीट के नीचे छिप जाता है। अब बहातिन उसे समझाता है कि ये सच नहीं फिल्म का सीन है। ये कहकर वो अजीज को मूवीज के बारे में बताता है और बताता है कि प्रोजेक्टर की रोशनी से स्क्रीन पर फिल्म दिखती है। तब जाकर वो उठकर सीट पर बैठकर मूवी देखता है। फिर वो घर लौटता है तो रास्ते में कुछ लड़के उसे फिर गोंगा कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन अजीज उनके लिए चॉकलेट्स लाया होता है लेकिन वो अपने हाथ से उन्हें ठीक से दे नहीं सकता, इसलिए दीवार पर चॉकलेट्स रख देता है। बच्चे उसे उठाकर खा लेते हैं, आखिर बच्चे हैं, ये देखकर अजीज को बहुत ही खुशी मिलती है। लेकिन अचानक से वे सारे चॉकलेट्स नीचे गिराकर हंसते रहते हैं। इससे अजीज को बहुत दुख होता है कि कैसे बच्चे हैं, मैं इन्हें इतने प्यार से दे रहा हूं लेकिन ये उसकी कोई कद्र नहीं करते। लेकिन वो बच्चे बड़े शैतान होते हैं और उसके पीछे पूंछ लगाकर चिल्लाते हैं कि घूंगे की पूंछ निकल आए। अजीज अपने हाथ से उसे निकाल भी नहीं पाता, क्या करता बेचारा। तभी मिस्किन नीचे आकर उन बच्चों को बहुत डांटती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, फिर अजीज को घर ले आती है। उन बच्चों की बातों ने अजीज को बहुत ही हर्ट किया होता है। वो आईना देखकर सोचता है कि ऐसा बदसूरत रूप मुझे क्यों मिला, मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। ये सोचकर वो खुद को आईने में देखकर थूकता है। मिस्किन भी बहुत परेशान होती है कि वो अजीज को कैसे ठीक करे, क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब अजीज भी मन ही मन ठान लेता है कि अब वो खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन से वो आसिफ के साथ फिजिकल ट्रेनिंग लेने लग जाता है। आसिफ उसे बहुत ही एनकरेज करता है कि उसे खींचो, तुमसे जरूर हो जाएगा। अजीज बहुत कोशिश करके उस वेट को खींचने लगता है लेकिन उससे होता ही नहीं। फिर वो सोचता है कि मुझे कोई चिढ़ाए तो ठीक था, लेकिन मेरी ऐसी हालत की वजह से मेरी पत्नी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता, उसके लिए तो मैं कोशिश करता ही रहूंगा। ये सोचकर उसके शरीर में न जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती है कि वो उस भारी सी चीज को हिला देता है। उसके बाद टीचर उसे खूब शाबाशी देता है। फिर टीचर बहातिन और आसिफ मिलकर अजीज को स्विमिंग सिखाने लग जाते हैं। बहातिन तो अजीज को ये भी सिखाता है कि तुम अपनी वाइफ को फिल्मी स्टाइल में किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हो। अजीज भी उनका मेथड ट्राई करने के लिए वेट कर रहा होता है। तभी मिस्किन और बैरन वहाँ पर आती हैं। लेकिन इतने में कुछ बच्चे अजीज को डरा ही देते हैं और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। बैरन उन्हें फिर डांटती है कि तुम फिर आगे शैतान के बच्चे यहाँ तंग करने। इतने में उन बच्चों का बाप आकर पूछता है कि बैरन जी मेरे बच्चों को डांटने से पहले ये बताइए कि बिना शादी के ये दोनों इस घर में कैसे रह सकते हैं।
बैरन बताती है कि इनकी शादी गांव में हो चुकी है, लेकिन उस शक के आदमी को विश्वास नहीं होता और वो अपने बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। मिसगिर अंदर जाकर देखती है कि अजीज ने फिल्मी स्टाइल में एक रोमांटिक डिनर के लिए टेबल सजा के रखी हुई है। वो पूछती है, क्या तुमने ये सब कुछ किया है? वो हाँ करता है तो मिसगिर बड़ी खुशी से उसके सीने से लग जाती है, फिर उसे एक बच्चे की तरह बिठाकर खाना खिलाती है और सोने से पहले उसके हाथ पैर का मसाज करती है। इस तरह वो हर वक्त अजीज की देखभाल करती है। वो सच में अजीज से बहुत प्यार करती है। अगले दिन मिसगिन अजीज को लेकर बीच पर चल रही होती है। टीचर बहातीन, आसिफ और उनके दोस्त इन्हें देखकर हैरान होते हैं कि पत्नी हो तो ऐसी, ऐसे पति का कितना ख्याल रखती है। टीचर कहता है कि पति भी अजीज की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि मिसगिन को एक छोटी खरोंच भी आ जाए तो वो तड़प तड़प कर भागा चला आता है। वे प्रार्थना करते हैं कि इनकी जोड़ी इसी तरह हमेशा बनी रहे। अब अजीज बिना किसी की मदद के खुद एक्सरसाइज कर लेता है और खुद ही सीढ़ी भी चढ़ लेता है। ये देखकर टीचर उसके लिए बहुत ही खुश होता है कि चलो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। न्यू ईयर की रात को वहाँ मेला लगा होता है और सभी बहुत ही मजे करते हैं। बहातिन ने अजीज को थिएटर में टिकट काउंटर पर काम दिया होता है। लोग पैसे देकर टिकट खरीद कर लेके जाते हैं। अचानक एक लड़की आकर पूछती है, सर प्लीज मुझे 2 टिकट दीजिए। अजीज चौंक कर ऊपर देखता है तो वो मिसकिन होती है। वो अजीज को काम करते हुए देखकर एकदम खिल जाती है। फिर टीचर टिकट लेने आता है। सारे टिकट्स बेचकर अजीज अंदर आकर मिसकिन के पास बैठता है। स्क्रीन पर ट्रेन को आते देखकर मिसकिन तो डर जाती है कि ये मेरे ऊपर चढ़ने वाली है। अब अजीज जो पहले डरता था वो अब मिसकिन को हिम्मत देता है कि ये सब नकली है, सिर्फ मूवी में है। अगले दिन वो बच्चे अजीज से माफी मांगते हैं और उसको एक टिफिन बॉक्स देते हैं। अजीज उसे खोलता है तो अंदर तो घूंघे होते हैं, ये बच्चे कभी सुधरेंगे नहीं। वे फिर से अजीज को चिढ़ाते हैं। इतने में एक बच्चा उसके सर पे पानी फेंक देता है। अब मिसगिन उन्हें डांटती है तो उनका बाप आकर फिर मिसगिन को बुरा भला कहने लग जाता है कि तुम दोनों बिना शादी किए एक घर में कैसे रह सकते हो। अजीज बहुत परेशान होता है और भागकर ऊंचे चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन टीचर उसके पीछे जाकर कहता है कि अगर तुम कूदे तो तुम जानते हो कि मैं भी कूद जाऊंगा। लोग बुरे हैं तो बुरा ही तो कहेंगे, तुम खुदकुशी कर लोगे तो मिसगिन का क्या होगा? सोचो जरा, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़ना है और इन सब बुरे मुंह वालों का मुंह काला मुंह बंद करना है। खुदकुशी तो बुजदिल करते हैं, तुम जैसे काबिल लोग नहीं, समझे? फिर वो अजीज को घर ले आता है। फिर अजीज अपने पैरों से वेट उठाने लगता है। पड़ोसियों का मुंह बंद करने के लिए अजीज और मिसगिन की फिर से शादी करवाई जाती है, लेकिन इस बार अजीज और मिसगिन के चेहरे पे असीम खुशी दिखती है। शादी के बाद नाच गाना होता है। इसके बाद उनकी लाइफ खुशी से शुरू होती है। एक दिन मिसगिन बेहोश हो जाती है तो टीचर और बैरन उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर वे घर लौटकर अजीज से कहते हैं कि मिसगिन बेहोश हो गई थी, हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए हैं, आगे हम जो बताने जा रहे हैं हिम्मत से सुनना। अजीज परेशान हो जाता है कि कहीं मिसगिन को कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए, पर मिसगिन बता देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम माँ बाप बनने वाले हैं। अजीज को तो विश्वास ही नहीं होता और वो खुशी के मारे मिसगिन का माथा चूम लेता है। फिर समुद्र की ओर चलता है। टीचर चिल्लाता है कि अजीज कहाँ जा रहे हो, पर अजीज को कुछ सुनाई नहीं देता, उसके अंदर इतनी खुशी होती है। वो समुद्र के पास जाकर जोर से चिल्लाता है कि मैं बाप बनने जा रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर बहातीन थिएटर से बाहर आकर पूछता है कि ये क्यों चिल्ला रहा है। जब टीचर उसका कारण बताता है तो बहातीन भी बड़ा खुश होता है उसके लिए। मिसगिन अजीज के पास जाकर पूछती है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि आई लव यू मिसगिन। वो हंस पड़ती है कि तुम मूवीज देखकर बहुत झूठ बोलने लगे हो, है ना। इस तरह हंसी मजाक करते हुए वे घर आते हैं। अजीज के साथ मिलकर दूसरे आदमी शरीर में रेत मलकर मजे से बीच पर चल रहे होते हैं। अजीज इतना ताकतवर हो गया है कि वो टीचर को ही उठा लेता है। फिर सभी समुद्र में डुबकी लगाकर खूब खेलते हैं और सनबाथ लेते हैं। वे अजीज को गले से लेकर पैर तक रेत के अंदर ही उतार देते हैं, क्योंकि वो उसके मसल्स के लिए अच्छा होगा। घर पर मिसगिन अजीज का मसाज करती है, जिससे उसके मसल्स और बोन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएं। अजीज जिस पपी को सड़क से उठा लाया था वो अब बड़ा डॉगी बन गया है। टीचर और आसिफ मिलकर अजीब को जमकर ट्रेन करते हैं। अजीज भी बहुत मेहनत करता है, हालांकि उसे दर्द भी बहुत होता है, पर जब मन में कुछ ढाल लिया जाए तो शरीर अपने आप ही साथ देने लग जाता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग इसे बेकार ही स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, ये कभी स्विम नहीं कर सकता, पर टीचर और आसिफ उन्हें अनसुना करके अपना काम करने में लग जाते हैं। मिसगिन का पेट भी अब धीरे धीरे बड़ा हो गया है। अजीज उस पर कान रखकर इमेजिन करता है कि उसका बच्चा उससे बात कर रहा है, वो बड़ा खुश हो जाता है। एक दिन बहातीन एक औरत की फोटो देखकर बहुत रो रहा होता है। अजीज पूछता है तो वो बताता है कि कई साल पहले मुझे आदरा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, वो भी मुझसे बेहद प्यार करती थी, पर हम दोनों का मजहब अलग था, पर उसके पिता ने हमारे रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया, उसे वो कहीं दूर लेकर चले गए, उसके बाद से मैं अकेला ही हूँ, पर मुझे यकीन है कि वो मेरी याद में कहीं दिन गुजार रही होगी, मेरी तरह उसने भी शादी नहीं की होगी और एक दिन वो मुझसे जरूर मिलेगी। अपनी सैड स्टोरी सुनाकर बहुत ही ज्यादा पी लेता है।
आसिफ और अजीज उसे उठाकर फिर बेड पे लिटा देते हैं। अजीज उसके शूज सॉक्स वगैरह उतारता है। उन दोनों को देखकर बहातिन बड़ा खुश होता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई है जो मेरा ख्याल रखेगा। अगले दिन वो बच्चे फिर अजीज को चिढ़ा कर जाते हैं। समुद्र के पास एक बड़ा लड़का मजे करते हुए पास खड़े लड़के को पानी में धक्का दे देता है। वो लड़का साइकिल के साथ फिर पानी में गिर जाता है। वो लड़का स्विमिंग जानता है तो बच्चे सोचते हैं कि वो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन बहुत देर बाद भी वो बाहर नहीं आता। दरअसल उसका शूलेस साइकिल के पैडल में फंस गया था और साइकिल उसे नीचे खींच रही थी। वे हेल्प हेल्प करके चिल्लाते हैं। उनकी आवाज को सुनकर अजीज जो पास ही बैठा हुआ था वो भागकर समुद्र में कूद जाता है। हालांकि उसे स्विम करना नहीं आता, लेकिन वो साइकिल से उस लड़के का शूलेस छुड़ा लेता है और वो लड़का स्विम करके आराम से ऊपर आ जाता है। लेकिन बेचारा अजीज तो नीचे फंस जाता है। उसे लगता है कि अब वो मरने जा रहा है, पर इतने में आसिफ पानी में कूद कर उसे बचा लेता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में अजीज की फोटो छपती है कि एक स्पेशली एबल आदमी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक बच्चे को बचाया। सभी उसे चीयर करते हैं कि अजीज तुम तो हीरो बन गए, फिल्मी नहीं असली हीरो। वो आदमी जिसके बेटे को अजीज ने बचाया था, ये वही आदमी है जो अजीज और मिसगिन को ताने मारता रहा। अब वो भी अजीज का शुक्रिया अदा करता है और अपनी और बच्चों की तरफ से उससे माफी मांगता है। तुम ही हो सच्चे इंसान, ये कहकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। बच्चे भी अजीज से माफी मांगते हैं। अब अजीज खुश होकर उन दोनों बच्चों के माथे को चूमता है। उसके बाद बहातिन अजीज को प्रोजेक्टर चलाना सिखाता है। इसी बीच मिसगिन को लेबर पेन होता है और हॉस्पिटल में वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। खबर सुनकर तो अजीज आसमान में उड़ने लगता है। वो अंदर जाकर मिसगिन के माथे को चूमकर अपने नन्हे बेटे को उठाता है। बचपन से अजीज के होंठ हर वक्त कांपते रहते थे, लेकिन अब अपने बच्चे को उठाकर उसका मासूम चेहरा देखने के बाद अजीज के होंठ एकदम से कांपना बंद कर देते हैं। अजीज की कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश होता है। बाकी लोग भी एकदम चौंक कर खड़े रहते हैं। टीचर और बैरन समझ जाते हैं अजीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब अजीज और मिसगिन की एक छोटी और हैप्पी फैमिली बन गई है। वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस जारी रखता है और अब वो बिना मदद के स्विमिंग भी कर लेता है। अजीज बहुत सी मूवीज देखने लगता है तो उसे उनके रोमांटिक डायलॉग्स अच्छे से याद हो जाते हैं और वो सारा मिसगिन को सुनाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अब बच्चे उसके साथ खूब खेलते भी हैं। अजीज वहाँ के स्पेशली एबल्ड बच्चों को थिएटर में एक स्पेशल शो के लिए इनवाइट भी करता है। हालांकि वो बच्चे लोगों के तानों के डर से घर से बाहर ही नहीं निकलते। एक दिन थिएटर के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक औरत नीचे उतरती है। उसको देखकर बहातिन तुरंत नीचे जाकर देखता है, ये और कोई नहीं बहातिन की लवर आद्रा है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बहातिन पूछता है कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। आद्रा कहती है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, यहाँ पर अजीज नाम का एक स्पेशली एबल्ड आदमी ने एक छोटे बच्चे को बचाया, उसमें तुम्हारे थिएटर और तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ था। मुझे विश्वास था कि तुम्हारे अलावा कोई मेरे नाम का थिएटर नहीं खोल सकता, बस फिर मैं चली आई। अजीज की वजह से ये दो लवर्स इतने साल बाद मिल भी पाए। अब अजीज अकेले ही प्रोजेक्टर को ऑपरेट कर लेता है, वो ठीक से बोल भी पाता है। एक दिन वो मिसगिन से कहता है, तुम मेरी लाइफ हो, अगर तुम ना होती तो मैं जिंदा नहीं होता। मिसगिन हंसकर पूछती है, ये किस मूवी का डायलॉग है? अब अजीज कहता है, ये मूवी का नहीं, ये मेरा अपना डायलॉग है। यहाँ बहातिन और आद्रा मिलकर अब दुनिया घूमना चाहते हैं और अपने खोए हुए दिन को फिर जीना चाहते हैं। इसलिए बहातिन अपना थिएटर अजीज और आसिफ को सौंप कर चला जाता है। दोनों मिलकर उस थिएटर को चलाते हैं और देखते ही देखते वो शहर का बेस्ट थिएटर बन जाता है। अजीज का तो हुलिया ही बदल गया है। फिर अजीज और उसकी वाइफ अपने गांव लौटते हैं जो पहले पार्ट के अंत में दिखाया गया था। अब आगे अजीज कहता है कि आप सब मेरे साथ शहर चलिए, हम सब वहाँ बड़े खुश रहेंगे। अजीज के पिता यानी सरपंच अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अजीज के साथ कई लोग शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अजीज उन सभी को ले चलता है। वहाँ जाकर वो सभी को नौकरी भी देता है। दरअसल उस गांव में अजीज को कोई काम नहीं दिया जाता था क्योंकि वो कोई काम करने के काबिल नहीं था, लेकिन अब वो अपने गांव के इतने सारे लोगों को यहाँ काम दे रहा है। इस तरह सबकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। लेकिन तभी टीचर और बैरन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बैरन को थोड़ी चोट आती है, लेकिन टीचर बुरी तरह घायल हो जाता है। अजीज सबको बताता है कि टीचर की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन गर्दन पर चोट लगने की वजह से अब वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाएंगे। सब बहुत रोते हैं क्योंकि आज अगर अजीज कुछ बन पाया है और अगर उस गांव के लोगों को शिक्षा मिली है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो टीचर। पर आज टीचर की यह हालत देखकर सरपंच बहुत दुखी होते हैं। अजीज हर वक्त टीचर के पास रहकर उसकी देखभाल करता है क्योंकि टीचर ने अजीज के लिए जो किया उसके बदले वो जितना करे वो कम है। एक दिन अजीज टीचर से कहता है कि आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। ये कहकर वो टीचर को बाहर लेके जाता है।
वहाँ बच्चों, बड़ों और बूढ़ों की भीड़ जमा होती है। इन्हें या तो टीचर ने पढ़ाया है या उन्हें ऐसी सीख दी है जिसने इनकी जिंदगियां बदल दी। सब टीचर को हिम्मत देने आए हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम जैसे और कई लोगों की लाइफ को आप जरूर चेंज करेंगे। उनके नाम पर वे एक जगह कई पेड़ भी लगाते हैं। टीचर की हालत जानकर बहातीन और आदरा भी आ जाते हैं और हमेशा की तरह बहातीन उन्हें वाक्यों को कहकर टीचर से मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है तो गलतियां माफ करो, भलाई करो, एहसान मत भूलो, प्यार बांटो, हंसो और खुश रहो। अचानक एक दिन टीचर कहता है कि मुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी करवानी है। उसकी तैयारियां शुरू होती है। अजीज टीचर को तैयार करता है। वो बताता है कि सर, जब आपने पहली बार हमारे गांव में कदम रखा तो मैं पागलों की तरह घूम रहा था। सब मुझ पर तरस खाते थे, लेकिन सिर्फ आपने मुझे एक इंसान का दर्जा दिया। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं आपको कभी बता नहीं पाया। लेकिन आपने खुद मेरे मन की बात को समझा और मुझे बुलाकर शिक्षा दी। लेकिन आपने सिर्फ मुझे शिक्षा ही नहीं दी, मुझे यहाँ लाकर मेरे शरीर और मेरे मन को ठीक किया। आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप मेरे टीचर नहीं, मेरे पिता हैं। ये कहकर अजीज बहुत रोने लग जाता है। टीचर की आंखों से भी आंसू निकलते हैं। फिर टीचर की आंखों के सामने उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है। तभी बारिश होने लगती है। टीचर अजीज से कहता है, मुझे बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मुझे बाहर लेके चलो। अजीज वैसा ही करता है और बारिश में बाहर जाकर दोनों समुद्र के पास बैठ जाते हैं। अजीज तो अपने टीचर से लिपट जाता है और कहता है, टीचर जी, अगर मैं ठीक हो पाया हूँ तो आप भी जरूर ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, चलिए घर चलते हैं। ये कहकर वो टीचर को ले जाने वाला होता है, लेकिन टीचर का सर अजीज के कंधे पर सरक जाता है। टीचर की मृत्यु हो गई है। अजीज बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में टीचर के बिना जो खालीपन होगा उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मिरेकल्स ऑफ लव मूवी यहाँ खत्म होती है। टीचर ने अजीज को कई बातें सिखाई थी, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये थी, अगर हम ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और जब टीचर जैसे इंसान का साथ हो तो इम्पॉसिबल लगने वाली चीज भी पॉसिबल की जा सकती है। बाकी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस मूवी और इसकी कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।